नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2020 का करंट अफेयर बताने वाले हैं। 2020 में दोस्तों ऐसी घटनाएं, यानी कि उन पर्सनैलिटी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो गुजर गए, जिनका निधन हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, इसमें हमने हर जगत से, चाहे फिल्म जगत हो, राजनीति हो, सभी प्रकार के लोग जो है शामिल किए हैं। और आप यदि एग्ज़ाम दिए हैं या फिर देने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हर एग्ज़ाम में इनके बारे में जो है पूछा जाता है कि हाल ही में ये फलाने व्यक्ति ख़त्म हो गए, निधन हो गया, ये कौन थे, या फिर फिल्मी दुनिया से एक बड़े सितारे का निधन हो गया, ये कौन थे। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आते रहते हैं, तो आइए जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए दोस्तों देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम इरफान खान जी के बारे में। फ्रेंड्स, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, मुंबई में इनका जो है निधन हुआ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इरफान खान जी को जो है ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम थी, और फ्रेंड इन्होंने इसके बारे में बोला भी था, बहुत कुछ बोला, और इनको बहुत समय से जो है प्रॉब्लम थी। इन्होंने एक बार बोला था कि मेरे अंदर कुछ लोग आके बैठ गए हैं, मैं उनसे लड़ाई चल रही है, अब देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड इरफान खान, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, ब्रेन ट्यूमर से जो है इनकी मौत हुई थी, और जो है मुंबई में इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जो है सुशांत सिंह राजपूत जी। सुशांत सिंह राजपूत जी जो है ये बिहार के रहने वाले थे, और इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था और मुंबई में इनका निधन हुआ। हालांकि इनकी मौत पर दोस्तों अभी मतलब जांच वगैरह चल रही है कि इनकी मौत जो है कैसे क्या हुई है। उसमें कुछ लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग जो है महाराष्ट्र पुलिस भी इसकी जांच कर रही है अभी। लेकिन इनकी मौत जिस टाइम पे हुई थी, उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि इनको जो है इन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कैसे क्या इनकी मौत हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राहत इंदौरी साहब के बारे में। इनका निधन फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, और ये जाने माने उर्दू शायर, गीतकार, और काफ़ी बॉलीवुड फिल्मों में इन्होंने जो है काम किया था। इनका जन्म जो है इंदौर में हुआ था, और इनका देहांत भी दोस्तों इंदौर में ही हुआ है। इंदौर का जो अरविंदो हॉस्पिटल है उसमें इनका जन्म 1950 में हुआ था, और इनकी मृत्यु दोस्तों 2020 में, यानी कि 70 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक और जो इस वर्ष गुजर गए, अमर सिंह जी। अमर सिंह जी दोस्तों यूपी की सियासत में काफ़ी बड़ा चेहरा थे, और इनका जन्म दोस्तों यूपी में ही हुआ था, और समाजवादी पार्टी के काफ़ी बड़े जो है कद्दावर नेता थे। ये कई बार दोस्तों यूपी की सरकार में और जो है मंत्री रह चुके थे, कैबिनेट स्तर के मंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राजीव त्यागी जी, जिनका अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जो है निधन हुआ है। और इनका ये जो है, इनके बारे में यदि हम आपको बताएं, कांग्रेस के बड़े लेवल के एक प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। कई बार आपने इनको देखा भी होगा नेशनल टेलीविज़न पर। और इनकी मौत का जो कारण है वो जो है हार्ट अटैक बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो